हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो मॉर्निंग में उठते उठते आँख मलते मैं किचन में आ गई और देखिए क्या आया आज। आज आया है पेप्सा और भेजे है बड़े का भेजा फ्राई जो बनता है, और यहाँ पे ये बकरे का फेफड़ा कलेजी पेप्सा जो भी बोलें आप। और मॉर्निंग में सुबह सुबह भाभी जो है चाय बना रही हैं, छोटी आटा वगैरह गूंद ली है, वो बर्तन वगैरह सारा कुछ उसका काम डन हो गया है, बस चाय बनेगा और हम लोग पियेंगे। तो बस मॉर्निंग में यही होता है हमारे। बोला इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी बंगाली। अच्छा अच्छा, तो तू सोचते बाड़ू तार हम बहनी कर दी सुबह सुबह। तो तोर नाम हम इजाद कर रही वाला मानी रुक जा, तो कपड़ा स्पेशल नाम रख के हम खोज के तब चिड़िया तब तार बताओ तनी। का छोटी छोटी ऐसे ही बहुत परेशान करती है, इसके साथ चाय पीने बैठो तो ऐसे ही कुछ करती है। देख रहे हैं ना आप लोग, बिस्किट खाने से पहले ही चाय में डुबो देती है, डेली ऐसा करती है डेली। तो देखिए बिस्किट टूटने वाला भी है भाभी के साथ, मेरे साथ, सबके साथ ऐसे ही। तो हम लोग का ऐसे ही चलता रहता है मस्ती। और चलिए हम लोग चाय इंजॉय करते हैं। मम्मी पापा अपने रूम में ही चाय पी रहे हैं आज, भाभी मैं छोटी पी रहे हैं साथ में। और यहाँ पे देखिए क्या आया है, ये है गुआवा जी अमरुद। तो छोटी लेके आती है फ्रूट सब्जी जो भी है, छोटी ही लेके आती है सारा कुछ, उसी से मंगाया जाता है, या फिर गोश्त वगैरह जो भी है, मछली वगैरह जो भी, मतलब घर का जो भी खाने पीने की चीज़ें वो वही लेती है, और बाकी जो राशन वगैरह है वो भाई लेके आता है। तो बस इस वीडियो के बाद एक वीडियो और भी आएगा, उसके बाद से मैं रमज़ान की वीडियो जो भी होगी रेगुलर अपलोड करूँगी। देखिए फटाफट से मैं कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी जल्दी कर दूँ, देखिए क्या होता है, हो पाता या नहीं, किस चीज़ में फंस जाती हूँ। मेरा ऐसे ही रहता है, मैं कहती हूँ और कर नहीं पाती हूँ। सच में आप लोग भी बोलेंगे वादा करती हैं फिर निभाती नहीं है। तो बहुत जल्द मैं घर भी जाने वाली हूँ, तो मैं कोशिश करूँगी गाइस, पूरा कोशिश करूँगी। यहाँ पे मैं अपने घर में के आती हूँ ना, सच में थोड़ा सा बिजी ज़्यादा रहती हूँ सबके साथ, घुल मिल के बातचीत वो भी मतलब मौज मस्ती अपना करना। देखिए घर अपने आते हैं सब लोग, मस्ती टेंशन लेके, थोड़ी टेंशन हर वक्त तो मतलब लेना ही रहता है। फिर जब अगर आप घूमने फिरने इंजॉय करने आए ना, तो फिर बस इंजॉय करिए, सारे टेंशन को पीछे छोड़ दीजिए। अगर जो चीज़ से आपको टेंशन मिलता है ना, उसको भी पीछे छोड़ दीजिए, ठीक है ना। किसी के फ़ोन कॉल से आपको टेंशन मिलता है, उसको भी पीछे छोड़ दीजिए, बस आप लाइफ में इंजॉय करिए। आप थोड़ा सा खुशी हर वक्त, मतलब ज़रूरी होता है हर इंसान को खुश रहना, हर वक्त टेंशन में रहेगा तो बीमार हो जाएगा। तो वैसे ही मैं भी हूँ। और यहाँ पे देखिए मैं कट करके धुल के बॉयल करके सब कुछ मतलब भेजा, और दोनों फेफड़ा कलेजी जो भी है सब रेडी कर दी हूँ। बस यहाँ पे मम्मी जो आलू का भुजिया भी कट रही हैं। मोबाइल का नंबर का दीदी ना देखा <लूर। laughs> फेफड़ा कलेजी गुर्दा सबका स्टू बन रहा है यहाँ पे, और इधर किचन में क्या बन रहा है, किचन में बन रहा है प्याज मिर्चा। भाभी क्या बना रही हैं? भाभी बोल तो नहीं कर रही, प्याज मिर्चा बना रही हैं, भुजिया आलू का बना रही हैं, तो कपड़ा धुला रहा है। और मैं वीडियो एडिट कर रही थी, मम्मी देखिए क्या लेके आ गई। उतना गाढ़ा गेहूँ का पतला अच्छा लगता है, ये सब गला में फंसता है। देखिए कितना गाढ़ा है,
माई बेटी सत्तू का लस्सी, सत्तू का लस्सी भाभी ने भी नमकीन होता। तो यहाँ पास में शादी था आप लोग जैसा कि देखे ही हैं, और फिर तो वहीं से दुल्हन आई आज, लड़के की शादी थी तो जर्दा और पूड़ी हमारे यहाँ आता है, दुल्हन आती है तो। और फिर से कट करके मम्मी भेजा में मसाला मिक्स करके इसको रख देंगी, मतलब बाद में वो बनेगा, और बस इसको बाद में अच्छे से इसको फ्राई करेंगे। उसके बाद से मैं चली जाती हूँ, फिर वीडियो कुछ शूट नहीं हो पाता। तो गाइस मैं अभी जा रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ सब कुछ मैं अभी बता देती हूँ। तो मेरी आंटी की जो आंटी थी, मेरी बीच वाली आंटी, सेकंड नंबर आंटी, उनका जो है ऑपरेशन हुआ है अपेंडिस शायद से, मुझे उतना आइडिया नहीं है, हाँ कुछ वो पत्थर होता है वही उसी का। तो वही हम लोग चल रहे हैं, अभी निकल रहे हैं, ठीक है। तो वही मैं थोड़ा थोड़ा वीडियो शूट कवर कर ले रही हूँ, आगे जाके वहाँ दिखाऊँगी, मतलब दिखाती हूँ या नहीं हॉस्पिटल का जो भी वीडियो वगैरह हो पाता या नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता, ठीक है ना। आंटी वैसे भी बीमार हैं नहीं, मतलब हो गई हैं तो ऑपरेशन हुआ है तो इतनी मतलब है, तो क्या बोलने का, क्या बोल रही हूँ मेरा ऐसे ही रहता है, कभी कभी मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज, वीडियो अगर रेगुलर में नहीं डालती हूँ ना तो मेरा कन्फ्यूज़न बढ़ जाता है। तो अली बाबू को मैं लेके जा रही हूँ, सुमैया तारिन घर पे ही रहेंगी, तो यहाँ पे मैं रहती हूँ तो टेंशन नहीं रहता, सुमैया तारिन को मैं छोड़ देती हूँ, वहाँ पे रहती हूँ तो बहुत ज़्यादा टेंशन रहता है, सुमैया तारिन को छोड़ के मैं नहीं जाती हूँ कहीं भी। और नानी के घर वो लोग अच्छे से रह लेते हैं, परेशान नहीं करते हैं। मैं निकल गई हूँ और चलती हूँ, आंटी को मिलती हूँ, वहाँ से एक घंटे हम लोग रहेंगे, उसके बाद से फिर रिटर्न आ जाएंगे आधा एक घंटा। चलिए चलते हैं और आपको भी लेके चलते हैं। आंटी मेरी फूफी हैं, मेरे पापा की अपनी सगी बहन, कल ही वो आई थी, आप लोग वीडियो में देखे भी होंगे, तो बस उन्हीं का जो है ऑपरेशन हुआ है गाइस। तो हम लोग आ गए हैं हॉस्पिटल में और फिर यहाँ पे रहते हैं, थोड़े टाइम रहेंगे आधा एक घंटा, और उसके बाद से फिर घर में चली जाऊँगी। तो घर का जो भी मतलब भेजे वगैरह, फ्राई वगैरह सब कुछ, कलेजी वलेजी जो भी है बन गया था घर पर, मैं गई थी तो खाना वगैरह रेडी था। तो गाइस मैं आ गई हूँ मतलब आंटी के पास, या ये रूम है मतलब जिसमें आंटी थी, तो थोड़ा सा मैं वीडियो ले ली धीरे धीरे, वैसे पता नहीं आंटी लोगों मेरे, तो जो फ़ोन पे बात कर रही है बस उन्हीं का ऑपरेशन हुआ है, और ये मेरी सामने जो बैठी हैं सबसे बड़ी वाली आंटी हैं, और फिर बस थोड़ा सा वीडियो ली हूँ, ज़्यादा नहीं, अच्छा नहीं लगता है ना फिर मैं मतलब ऐसे दिखा के वीडियो नहीं ली हूँ, बस ऐसे ही चुपके चुपके। और वैसे भी मैं ब्लॉगिंग करती हूँ गाइस, तो वीडियो बनाना मेरा काम है, जहाँ भी जाऊँ जो भी हो, जो भी का अपडेट रहता है वो आपके साथ शेयर करना रहता है, क्योंकि आप मेरी फैमिली हैं, तो इसीलिए फैमिली से हर बात, छोटी बात बड़ी बात आप भी तो करते हैं ना, तो इसीलिए मैं भी हर बात करती हूँ। और यहाँ पे देखिए अली बाबू को, सामने ही हम लोग हॉस्पिटल से बाहर निकले हैं, तो सामने ही ऐसे कुछ मतलब दुकान लगा हुआ है, सामने मतलब क्या बोलते हैं मुझे उतना पता नहीं, सामने कुछ पोखरा टाइप का कुछ मतलब है, तो बस यहाँ से अली बाबू के ले लेंगे और हम लोग यहाँ से निकलेंगे। और भूख काफ़ी ज़्यादा जोरों वाली लगी, और मैं घर जाऊँगी तो खाना खाऊँगी, क्योंकि मैं नहाई हूँ, फ्रेश वगैरह हुई हूँ और फिर यहाँ पे आ गई हूँ। मैं बोली खाना नहीं खाऊँगी, खाना खाऊँगा बहुत टाइम लग जाएगा फिर, क्योंकि हस्बैंड जी को जाना था कोई काम से, तो फिर इसीलिए तो अभी हम लोग जाएँगे वहाँ पर, घर जाते हैं, खाना वगैरह खाते हैं, उसके बाद से आपसे मिलते, देखिए वीडियो करती हूँ या नहीं करती हूँ वो नहीं पता है। ऐसे आंटी मेरी अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं, सही हो गया सब कुछ, अच्छा है ना, मतलब जो प्रॉब्लम था वो ख़त्म हो गया है। तो यहाँ पे खाना वगैरह खाने के बाद हस्बैंड जी ही लेके आए थे ये छोले बोल रही हूँ, नहीं नहीं पानी पूरी, बाबा रमज़ान चल रहा है, आप लोग ये वीडियो देख रहे होंगे तो आपके भी मुँह में पानी तो थोड़ा थोड़ा आ ही जाएगा बताइएगा कमेंट करके ज़रूर, मुझे अच्छा लगता है आप लोग की छोटी सी छोटी कमेंट जो होती है ना, अरे भैया मेरे दिल को छू देता है सच में। तो ये भाभी के लिए लेके आए थे, थोड़ा ही है, इतना तो मेरे घर में कुछ भी नहीं होता, एक जन भी नहीं खाते सच में, इतना ज़्यादा पानी पूरी आता है ना। नेक्स्ट डे फिर हम आपसे मिले हैं, तो अभी सुबह हो गया है और यहाँ पर भाभी चाय बना रही है। चाय हाँ बोलिए, फिर आज बाल डिजाइन बना है बॉबी के,
लोग कई पुआ रोज रोज की जगह बनाते। ये लीजिए दोस्तों, खा लीजिए सब्जी और पूरी। तहरीन के लिए नाना ले आए बाहर से स्पेशल, दो दिन से बाहर का ही खा रही है तहरीन, पुआ खा रही है, पुआ बन के आता है, पूरी है, सत्तू वाला पूरी है। कल मैं जब आई लौट के, मतलब आंटी को देख के, तो फिर हिम्मत नहीं थी मुझे वीडियो वीडियो बनाने का, दिल भी नहीं कर रहा था, तो अच्छा नहीं लगता है ना। और वैसे भी आंटी है ना, कुछ भी कहो तो फूफी हैं, फूफी जाना है तो दिल तो दुखता ही है। कुछ भी मतलब किसी को भी अपने फैमिली में तकलीफ होता है तो हर इंसान का दिल दुखता है, शायद सामने से इंसान नहीं कहता पर दिल दुखता है। तो चलिए सब अच्छे से हो गया, आंटी अच्छी हैं, बेहतर हैं, तो खुशी इस बात की चलिए अच्छा है। वैसे मेरे फूफा यहाँ रहते नहीं है, इसलिए ज़्यादा टेंशन रहता है। वीडियो भाभी छील रही हैं केला, वो भी पहली बार है ना भाभी, बोलते कारण लगा था और निकला तो बहुत बड़ा काम हो गए मुकरा तो सुबह तो छोटी सब लोग मतलब खड़ा है भाभी के और चल रहा हम बैठल बनी तो सब केला छील दी। वाह वेरी गुड लस सवासी। सासू माँ चली गई हैं तो इन लोग का हंसी खुशी देखिए लोग। आपने नाचे हंसी। सासू माँ गई अपने ननद को देखने और यहाँ पे बहू क्या कर रही हैं, दाल धो रही हैं, केला चली थी। और ये छोटी महारानी क्या कर रही हैं, प्याज कर रही, तू प्याज करते रहो। आई देखिए आई देखो क्या खा रही है, अंडा रोटी सब्जी नहीं ली है, सब्जी लो तो गाइस। मम्मी गई आंटी को देखने के लिए घर पे, आंटी आ गई हॉस्पिटल से, उनको छुट्टी मिल गई है तो मम्मी घर पे गई है क्योंकि मम्मी को वहाँ डॉक्टर हॉस्पिटल से थोड़ा सा होता है ना, किसी को प्रॉब्लम होता है तो मम्मी को नहीं हम लोग भेजे थे, पापा भी नहीं गए थे, उनकी आँख की ऑपरेशन हुई है तो वो भी वहाँ नहीं गए थे, हुआ था कि घर पे आएंगे तो ही जाएंगे, वैसे बच्चे हैं तो हम लोग जाके देख ले या करेंगे आंटी को। तो यहाँ पे मैं फटाफट से केले की सब्जी जो है वो बना रही हूँ, मम्मी नहीं है, मैं सोच रही हूँ मम्मी के आने से पहले सब कुछ बना दूँ। तो केले की सब्जी और केला का टिकिया जो बनता है टिक्की, वही बस बन रहा है यहाँ पे, देख सकते हैं आप लोग। तो मेरे घर ऐसा ही रहता है सर, कल भी आप लोग देखे थे भेजा बना था और मतलब फेफड़ा कलेजी भुजिया सब कुछ बनाती है मम्मी, ऐसे ही दो तीन आइटम रहना जरूरी रहता है उनका, एक से कुछ नहीं होता, दो तीन आइटम जरूर ही बनता है। तो यहाँ पे बस केले का टिकिया सिंपल सा आप लोग देखे क्या क्या मैं डाली हूँ, बस इसको बॉयल हो जाएगा पीस के और बस इसमें अंडे वगैरह जो भी प्याज वगैरह डाल के बन जाता है। और यहाँ पे भाभी जो हैं एप्पल कट कर रही है, मम्मी पापा आ गए हैं, मम्मी सुबह ही निकल गई थी और इसीलिए वो नाश्ता भी नहीं कर रही थी, तो अभी आई तो वो ब्रेकफास्ट कर रही हैं। और यहाँ पे भाभी जो एप्पल कट कर रही हैं सबके लिए, बच्चे हैं, मम्मी पापा सबके लिए, तो बस यही सब हो रहा है। फिर मम्मी आ गई तो मतलब टिकिया वही बनाएंगी, उनके हाथों का जो स्वाद होता है वो हम लोग से नहीं हो सकता है। केला है जो मैं ग्रेट कर रही हूँ और ये दाल, दो अंडे और प्याज मिर्ची चॉप सोहा धुला है और ये धुला रहा है सारा सोहा। पूछे थे दादी आप क्या बना रही हैं, उसमें भी इसमें भी उस्मान ब्लॉगिंग कर रहा है, उस्मान कहाँ देखी लोग आज उस्मान आज वीडियो बना रहा है, वीडियो बनाएगा या बंद कर देगा उस्मान वीडियो बना रहे हैं आप। और यहाँ पे टिक्की वगैरह मिक्स कर दी है मम्मी और यहाँ पे देखिए सास और बहू दोनों बैठ के सीरियल देख रहे हैं, अनुपमा सीरियल आता है, मम्मी का भाभी का फेवरेट है तो वो लोग बहुत पसंद से देखते हैं। और मिलती हूँ मैं सीधे शाम में, मैं शाम में इसलिए मिली हूँ, पूरे दिन भर का वीडियो क्यों नहीं शूट की हूँ, टिक्की वगैरह बना तली उली मम्मी वो सब मैं शूट इसलिए नहीं की हूँ गाइस, क्योंकि मोबाइल जो है ना मेरा ख़राब हो गया, थोड़ा सा भी मतलब उसमें थोड़ा सा भी गिर जा रहा है ना हल्का सा, अगर बेड पर भी आप जोर से रख दे रहे ना तो मोबाइल जो है ना बंद हो जा रहा है, फिर उसका लाइट ही ऑन नहीं हो रहा था, ऐसा कुछ मोबाइल में हो गया, प्रॉब्लम चल रहा है मोबाइल का बहुत ज़्यादा, इसलिए
वीडियो एडिट करने में सब कुछ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स मुझे आ रही है, और वीडियो एडिट भी टाइम पे मैं नहीं कर पा रही हूँ, वीडियो डाल भी नहीं पा रही हूँ, तो इसीलिए थोड़ी बहुत प्रॉब्लम। और मैं यहाँ पे बनाने लगी हूँ पुआ, क्योंकि तहरीन सुमैया की फरमाइश थी पुआ बना, और मेरे बड़े वाले बहन को पुआ बिल्कुल पसंद है, इसीलिए उनके लिए पैनकेक बना रही हूँ। अभी चल रही मैं पुआ बनाने, सबसे पहले बहन को पैनकेक बना के देती हूँ, क्योंकि शाम हो गया, शाम का लगभग 6:30 हो रहा है या 7 बज रहा है, और बस तहरीन सुमैया फरमाइश है तो नाना नानी कैसे नहीं नाना से बोल के पुआ बनवा रही है ज़बरदस्ती मेरे से बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट डे आपको मिलते हैं फिर। तो गाइस यहाँ पे नेक्स्ट डे हो गया है, क्योंकि वीडियो बनाना मैं भूल ही जाती हूँ, या फिर मोबाइल में स्पेस नहीं होता, या फिर मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है, मैं बताइए मोबाइल में प्रॉब्लम चल रहा है, तो इसलिए वीडियो बंद हो जाता है वहीं पे, फिर मैं नहीं कर पाती हूँ, फिर मूड ख़राब हो जाता है। और यहाँ पे नाना जो है तहरीन सुमैया के लेके आते हैं पूड़ी, रोज़ डेली लाते हैं, पुआ भी मिलता है पूड़ी भी मिलता है यहाँ पास में ही गर्मा गर्म बिल्कुल, और सुबह सुबह बिल्कुल सुबह सुबह लेके 7:30 तक लेके आ जाते हैं सुमैया तहरीन के स्कूल जाने से पहले, उन लोग एग्ज़ाम चल रहा था बिल्कुल, सुबह सुबह ये ला देते हैं। वैसे तो छोटी नाश्ता बना देती है, पर फिर भी मैंने उन लोग को पसंद है बाहर का, मुझे भी बाहर की जो चीज़ें ना बहुत काफ़ी यमी लगता है, घर में खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, बाहर का चीज़ें मतलब बाहर का चीज़ मैं ज़्यादा पसंद करती हूँ। और पता है यहाँ पे मैं जब अभी रिकॉर्डिंग कर रही हूँ ना गाइस, तो मतलब इतनी जोर की आंधी तूफान जो होता है ना बिजली, और वैसे भी आम आने वाला है ना, इसीलिए आंधी तूफान तो ज़रूर आएगा ना आम को ले जाने के लिए। और यहाँ पे देखिए क्या बना है, मटन पुलाव सैलेड, तो बस यही आज का डिनर था। और फिर शाम में मामा भी आए थे, तो थोड़ी थोड़ी वीडियो क्लिप है, ज़्यादा मैं नहीं शूट कर पा रही हूँ। मामा आए थे तो नाश्ता भाई लेके आया था बाहर से ही, तो समोसा है, लिट्टी है, नमकीन है, मतलब और क्या बोलते हैं सेव बनिया बॉयल एग चटनी वगैरह ये सब। तो मामा आए हैं अपने साला की शादी में जैसे कि मैं बताई हूँ, तो यहीं पे रह रहे हैं। गाइस इतनी जोर की आंधी है उसमें मैं आप लोग के लिए रिकॉर्ड कर रही हूँ, पता नहीं आप लोग के शहर में इस वक्त आंधी तूफान है या नहीं। टाइम जो हो रहा है लगभग बताती हूँ मैं टाइम क्या हो रहा है, तो टाइम हो रहा है 10 बजने वाला, 10 बजे रात को रिकॉर्ड कर रही हूँ, बैठ के छत पर मैं करती हूँ क्योंकि शांति रहता है, बच्चे नीचे बहुत ज़्यादा शोर करते हैं। और यहाँ पर मामा देखे आए हैं, थोड़ा सा वीडियो क्लिप ली हूँ मैं। वाह इंग्लिश सुनी भी नहीं होंगी आप, बहुत ना खुशी, इतना खुशी, इधर तो घुमाई ना आपके कपड़े में मिल जा रहा है, इधर से येलो इधर से ग्रीन, क्या है। तो गाइस बहुत जोर की आंधी आ रही है सच में, और आग पे धूल भी पड़ जा रहा है, ठीक है। तो अभी वीडियो का एंड अब मैं करने लगी हूँ, और रिकॉर्डिंग जो है हमारा फाइनल हो गया, तो मैं चलती हूँ अभी नीचे, और नीचे चलूंगी। वैसे भी आज 18 रोजा था, कंप्लीट हो गया, तो आप सबको मुबारक हो। और यहाँ पे बात में मैं अंडा भुर्जी बनाती हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, मेरे वीडियो का वेट करिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग ब्लॉग आने वाला है। तो बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।